देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ कि विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर एक भयानक जहरीली गैस का रिसाव हमें देखने को मिला, जिसके तहत कई लोगों की जानें चली गई हैं और कई लोगों की स्थिति अभी भी जो है बहुत ख़राब बनी हुई है। तो उसी की चर्चा इस एडिटोरियल में की गई है। टॉक्सिक डिज़ास्टर, टॉक्सिक मतलब जहरीला या फिर जहरीली, डिज़ास्टर यानी कि आपदा, कि ये जो भयानक आपदा आई है इसके लिए कहा गया है कि ये बहुत ही जहरीली आपदा है। क्यों? क्योंकि इस आपदा में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। द गैस लीक ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई भी तरह की दुखद घटना, कि द गैस लीक ट्रेजेडी, कि भाई ये जो गैस का रिसाव हुआ है, लीक हुई है, ये जो आपदा है, इज ए रिमाइंडर, ये हमें याद दिलाती है किस चीज़ की, दैट सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, कि सुरक्षा सर्वोपरि है। पैरामाउंट मतलब होता है सर्वोपरि, सर्वोच्च। व्हेन एग्जिटिंग द लॉकडाउन, कि जब हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं लॉकडाउन से धीरे धीरे, तो इस लॉकडाउन से बाहर आते समय हमें इस बात को सर्वोच्च रूप से ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा नंबर वन पे आती है, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जो भी कारण हैं उन कारणों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं। द डिज़ास्ट्रस, डिज़ास्ट्रस यानी विनाशकारी, लीक रिसाव ऑफ ए टॉक्सिक, जहरीली टॉक्सिक केमिकल दैट हैज़ किल्ड सेवरल पीपल। यानी कि क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, कि भाई ये जो बहुत ही जहरीला केमिकल है, इसका रिसाव होना है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी कहा गया है, तो इसके रिसाव होने के कारण क्या हुआ है, दैट हैज़ किल्ड सेवरल पीपल, जिसने कि कई लोगों की जान ले ली, एंड लेफ्ट हंड्रेड्स सिक नियर विशाखापट्टनम। और इसके अलावा इस जहरीली गैस ने या फिर इस विनाशकारी घटना ने कई लोगों को छोड़ दिया बीमार हालत में, नियर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के पास में, आंध्र प्रदेश में। तो ये जो घटना हुई है कम्स एज ए शॉक, ये घटना हमारे सामने एक शॉक के रूप में आती है, एक झटका लगता है इस घटना से, शॉक टू ए नेशन, पूरे की पूरे राष्ट्र के लिए ये घटना एक झटके के रूप में है, और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए कहा जा रहा है कि पूरा राष्ट्र जो है स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रहा है टू कॉप विथ। इस कॉप विथ को अच्छी तरह से ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है ये कॉप विथ, कॉप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ से निपटना, कि भाई हमारा पूरा देश जो है वो जूझ रहा है किस चीज़ से, ए प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबी अवधि में फैला हुआ है ना, कि भाई एक लंबी अवधि के लॉकडाउन से हम गुजर रहे हैं, लॉकडाउन की हालत में देश है, यानी कि देश जो है लॉकडाउन से जूझ रहा है, और ऐसी हालत में ये जो विनाशकारी घटना हुई है, तो यह एक बहुत ही गहरा झटका देश को लगा है। आगे देखते हैं। रेसिडेंट्स ऑफ हैबिटेशंस, हैबिटेशन का मतलब है कि भाई वो जो निवास या जो बस्ती होती है ना अराउंड गोपाल पट्टनम, कि भाई ये जो गोपाल पट्टनम के आसपास जो निवासी हैं या जो लोग जिनकी बस्ती है, क्लोज टू द साइट वेयर द एलजी पॉलीमर्स प्लांट इज लोकेटेड, कि भाई ये जो निवासी हैं ये किसके पास में हैं, कि रेसिडेंट्स ऑफ हैबिटेंट्स अराउंड गोपालपट्टनम, कि भाई ये जो गोपालपट्टनम के लोग हैं या गोपालपट्टनम के लोगों की जो बस्ती है ये किसके निकट है, क्लोज टू द साइट, उस जगह के निकट है वेयर द एलपीजी पॉलीमर्स प्लांट, कि भाई जिस प्लांट से ये रिसाव हुआ ना उस प्लांट के लिए कहा गया है एलजी पॉलीमर्स प्लांट इज लोकेटेड, जहाँ पर कि ये प्लांट सिचुएटेड है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। अब देखो ध्यान देना कि भाई ये यहाँ से शुरू है वाक्य, रेजिडेंट्स ऑफ हैबिटेंट्स अराउंड गोपालपट्टनम, अब ये एक तरीके से ये क्या है, एडिशनल जानकारी है। अब गोपालपट्टनम के बाद में सीधा हो कि भाई रेसिडेंट्स ऑफ गोपालपट्टनम पासड आउट, पासड आउट का मतलब होता है, पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, एज द हजार्डस स्टेराइन वेपर स्वेप्ट थ्रू द एरिया एट नाइट, कि भाई ये जो गोपालपट्टनम के एक तरीके से निवासी हैं ये बेहोश हो गए, क्यों, एज द हजार्डस, हजार्डस का मतलब होता है विनाशकारी, स्टेराइन, स्टेराइन की एक ये जो है इस सब्सटेंस का नाम है, इस पदार्थ का नाम है जहाँ से ये जो गैस वैस का रिसाव हुआ ना, इसकी वेपर यानी वाष्प, स्वेप्ट थ्रू, ये जो शब्द है ना स्वेप्ट थ्रू, इस स्वेप्ट थ्रू का मतलब होता है फैल जाना विनाशकारी रूप में, है ना, कि भाई कोई चीज़ फैल गई और तबाही लाती है ना वो, तो उसके लिए बोलेंगे हम स्वेप्ट थ्रू द एरिया एट नाइट, कि भाई ये जो स्टराइन वेपर है यानी कि ये जो पदार्थ है इसकी जो वाष्प है ये पूरे की पूरे क्षेत्र में फैल गई, और ये क्षेत्र और ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी थी, और इसके माध्यम से क्या हुआ कि ये जो गोपालपट्टनम के लोग हैं ये एक तरीके से बेहोश हो गए। सेवरल डेथ्स टुक प्लेस
एज पीपल ट्राइड टू फ्ली, फ्ली फ्ली का मतलब होता है भागने की कोशिश करना, फरार होने की कोशिश करना, सेवरल डेथ्स की काफ़ी सारी मृत्युएं टुक प्लेस हुई, घटित हुई, एज क्यों पीपल ट्राइड टू फ्ली, कि भाई जैसे लोगों ने भागने की कोशिश की उस जगह से तो काफ़ी सारी मृत्युएं वहाँ हमें देखने को मिली, काफ़ी सारी मृत्युएं घटित हुई, एंड द केमिकल रेंडर्ड देम अनकॉन्सियस, और ये जो केमिकल का रिसाव हुआ, यहाँ पे रेंडर का मतलब है बना देना, इस केमिकल के रिसाव ने उन व्यक्तियों को अचेत बना दिया या बेहोश की हालत में बना दिया। देर आर हॉरिफिक स्टोरीज कि बहुत ही भयावह कहानियाँ हैं हमारे पास ऑफ पीपल, उन लोगों की फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, कि कई लोग हैं उस, ये जो है ना उस साइट के बारे में बात की जा रही है जहाँ पे ये दुर्घटना घटित हुई है ना, उस साइट के लिए कहा जा रहा है कि वहाँ की काफ़ी भयावह कहानियाँ हैं ऑफ पीपल फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग्स, कि लोग बाग जो हैं वो बिल्डिंग से गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और इन टू वेल्स या फिर कुएं में गिर गए या फिर खाइयों में गिर गए, क्यों एज दे लॉस्ट कॉन्सियसनेस, कि भाई जब उन्होंने अपनी कॉन्सियसनेस खो दी, यानी कि वे जब बेहोशी की हालत में आ गए, तो कई लोग जो है बिल्डिंग से गिर पड़े, कई कुओं में गिर पड़े और कई खाई में गिर पड़े, इस तरह की बहुत ही भयावह कहानियां हमारे पास हैं उस जगह की। दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, तो एडिटोरियली कहना चाह रहा है कि भाई ये जो लॉकडाउन से एग्जिट निकलने की जो हमने प्रक्रिया आरंभ की ना धीरे धीरे, भाई लॉकडाउन को हटाया जाए, तो लॉकडाउन को हटाने के फलस्वरूप ही तो धीरे धीरे हमने क्या किया कि ये जो इंडस्ट्री थी या जो ये फैक्ट्री थी यहाँ पर भी धीरे धीरे काम करने की शुरुआत करने की कोशिश की गई, तो ये लॉकडाउन को हटाने के पहले शिकार बने, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, तो दे हैव बिकम द फर्स्ट विक्टिम, कि ये लोग जो है पहले शिकार बने हैं या पहले पीड़ित हुए हैं किस चीज़ के तहत, टू ऑफ द एग्जिट फ्रॉम द लॉकडाउन, कि ये जो हमारी स्ट्रेटजी है ना लॉकडाउन से बाहर आने की, तो इस स्ट्रेटजी के चलते पहला शिकार या पहले पीड़ित जो है यहाँ इस जगह के लोग हुए। वैन इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर अलाउड टू रिज्यूम देयर ऑपरेशन, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि लॉकडाउन एग्जिट के तहत है ना, कि भाई लॉकडाउन एग्जिट के तहत क्या किया गया, वैन इंडस्ट्रियल यूनिट, कि भाई ये जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं इनको परमिशन दी गई टू रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है पुनः से शुरू करना, कोई चीज़ रोक दी है आपने, उस रोकी हुई चीज़ को पुनः शुरू करना उसको बोलते हैं रिज्यूम देयर ऑपरेशन, तो भाई ये जो औद्योगिक इकाइयां हैं इन औद्योगिक इकाइयों को अपने जो ऑपरेशन हैं अपनी जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को पुनः शुरू करने की इजाज़त दी गई ना ये लॉकडाउन को, थोड़ा सा ढील दी गई लॉकडाउन में, तो इसके तहत जो है पहले दुर्घटना के शिकार बने ये लोग। आगे देखते हैं, स्टेराइन द केमिकल, अब इस केमिकल के लिए ना इस ध्यान रखना है केमिकल, इसी केमिकल के चलते दुर्घटना हुई है, स्टेराइन द केमिकल इन्वॉल्व इन द डिजास्ट्रस स्ट्रक प्लांट, कि भाई ये जो प्लांट है ये जो संयंत्र है इस संयंत्र में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल था, किसका, स्टेराइन का, केमिकल्स इन्वॉल्व इन द डिजास्ट्रस स्ट्रक प्लांट दैट प्रोड्यूसेस पॉलिस्टेराइन प्रोडक्ट्स, तो देखो इसके माध्यम से क्या होता है, ये जिस प्रोडक्ट की बात की जा रही है ना स्टेराइन के, इसके माध्यम से क्या होता है ये प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से उत्पाद, प्रोड्यूसर्स का मतलब निर्मित होते हैं, पैदा होते हैं, पॉलिस्टेराइन प्रोडक्ट्स है ना, पॉलिस्टेराइन प्रोडक्ट का जो है इसके माध्यम से निर्माण किया जाता है। अब देखो फिर दोबारा से देखना, क्या देखना कि स्टेराइन के बाद में कॉमा लगा होता है स्टेरिन, और स्टेरिन से लेके और यहाँ तक ये कॉमा लगा हुआ है, तो अब सीधे आप यहाँ पे आओ, स्टेराइन इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ऑफ द मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 1989। एक और शब्द आया हमारे पास, कौन सा, ये हजार्डस, इसका मतलब होता है विनाशकारी है ना, तो ये जो पदार्थ है ना स्टेराइन, स्टेरिन, तो ये जो स्टेरिन पदार्थ है इज इंक्लूडेड, इसको शामिल किया गया है इन द शेड्यूल ऑफ द मैन्युफैक्चर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डस केमिकल रूल्स 19, कि भाई हमने क्या है कि कुछ रूल्स बना रखे हैं कि ये जो रूल्स है ना मैन्युफैक्चर यानी निर्मित करना, स्टोरेज यानी संग्रहित करना, इम्पोर्ट यानी आयात करना, कि भाई ये जो एक तरीके से केमिकल, ये जो रसायन है ना, इन कौन से रसायन हैं जिनको निर्मित किया जाएगा, जिनको स्टोर किया जाएगा, जो कि खतरनाक कैटेगरी में आते हैं, उन नियमों में इस स्टेराइन को शामिल किया गया है, यानी कि इस स्टेराइन जो पदार्थ है इसको बहुत ही खतरनाक जो है पदार्थ माना गया है। तो द रूल्स ले डाउन, तो ये जो हमारे पास रूल्स हैं कि ये केमिकल रूल्स जो हैं ये क्या कहते हैं, रूल्स ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है स्थापित करना, निर्धारित करना, यानी कि इन रूल्स में ये बात कही गई है क्या, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, नॉर्म्स यानी प्रावधान, ऑन हाउ इट शुड बी हैंडल्ड,
कि भाई एक तरीके से स्टेराइन के लिए बताया गया, स्टायरिन के लिए बताया गया है कि भाई इसको जो है उसमें ये जो केमिकल रूल्स है ना 1989 हमारे पास, इन रूल्स में प्रावधान किए गए हैं, स्पष्ट रूप से बताया गया है क्या चीज़ बताई गई है कि भाई ये जो स्टायरिन है इसको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए और किस तरह से इसको स्टोर किया जाना चाहिए। भाई इसमें ये बताया गया है कि ये पदार्थ जो है बहुत ही ख़तरनाक है, तो इसको विशेष सावधानी के साथ हैंडल किया जाना चाहिए और जो है संग्रहित किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। Although it will take an inquiry to establish what caused the incident, कि भाई ये जो घटना है इस घटना का कारण क्या था, है ना, what caused the incident, although यद्यपि it will take an inquiry to establish, हालांकि हमें जांच की ज़रूरत पड़ेगी ये स्थापित करने में कि भाई किसके चलते ये घटना हुई, है ना, ये घटना क्यों हुई। The company and the state government knew, लेकिन कंपनी और ये जो राज्य सरकार है ये जानती थी, इन्हें पता था, किस बात का पता था, दैट द केमिकल वाज हजार्डस, कि भाई ये जो केमिकल जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है या बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर स्टेबिलिटी अंडर ए वैरायटी ऑफ कंडीशंस दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोजिव सिचुएशंस। अब देखो दोबारा से ध्यान देना इस चीज़ पे, कैरेक्टराइज्ड कि भाई एक तरीके से चित्रित किया जाता है ना, कैरेक्टराइज्ड का मतलब है चित्रित करना किसी चीज़ को, बाय पुअर स्टेबिलिटी अंडर ए वेराइटी ऑफ कंडीशंस, भाई ये जो पदार्थ है ना एक तरीके से उसके लिए कहा गया है कि भाई राज्य सरकार को और कंपनी को पता था कि भाई ये जो पदार्थ है इसका जो है इसको माना जाता है, इसको इस तरह से देखा जाता है, बाय पुअर स्टेबिलिटी अंडर ए वेराइटी ऑफ कंडीशन, कि भाई विविध तरह की जो विभिन्न तरह की परिस्थितियाँ होती हैं ना उसमें ये जो है ना इसमें स्टेबिलिटी का अभाव होता है, स्थिरता का अभाव होता है और ये कारण बन सकता है। कुड इवन लीड टू का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से कारण बनना किसी चीज़ का। एक्सप्लोसिव सिचुएशंस, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, धमाका। दैट कुड इवन लीड टू एक्सप्लोसिव सिचुएशंस, कि अगर इस पदार्थ को ठीक तरह से हैंडल ना किया जाए तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हालात निर्मित हो सकते हैं। इट इज ऑल्सो रीजनेबल, अब यह भी काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी तर्कपूर्ण है ये बात, क्या, टू अज्यूम यानी मान लेना, दैट द सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्ट इन टू द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ समथिंग सो हजार्डस वाज आइदर फॉल्टी और अलाउड टू बी ओवर रिडन। इस ओवर रिडन का शब्द का मतलब है किसी चीज़ की उपेक्षा करना, जानबूझ के नज़रअंदाज करना। इट इज ऑल्सो रीजनेबल टू अज्यूम, यह मानना भी बिल्कुल लॉजिकल है, क्या मानना काफ़ी लॉजिकल है, दैट द सेफ्टी मैकेनिज्म का मतलब है कि भाई ये जो सुरक्षा तंत्र निर्मित जो किया गया, सुरक्षा तंत्र जो निर्मित किया गया इनटू द स्टोरेज स्ट्रक्चर्स ऑफ समथिंग सो हजार्डस, कि भाई इस प्लांट के लिए कहा जा रहा है कि भाई इस प्लांट में जिसमें कि इतने विनाशकारी पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, तो या तो सुरक्षा तंत्र जो है उसमें कुछ दोष था, फॉल्टी यानी दोषपूर्ण होना, या तो सुरक्षा तंत्र में कुछ दोष था और अलाउड टू बी ओवररिडन, या फिर एक तरीके से जानबूझ के जो है नज़रअंदाज किया गया कि भाई जो सुरक्षा जो एहतियात बरतने थे वे एहतियात नहीं बरते गए, है ना, जानबूझकर सुरक्षा कारणों की अनदेखी की गई। आगे देखते हैं। वाज द रीओपनिंग वर्क एट द फैक्ट्री कि भाई काम की दोबारा से शुरुआत करना इस फैक्ट्री में, है ना, लेफ्ट टू अनस्किल्ड पीपल, लेफ्ट का मतलब है छोड़ देना, टू अनस्किल्ड पीपल, अकुशल लोग, कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा से ये जो फैक्ट्री को खोला गया तो ऐसा तो नहीं है कि अकुशल लोग जो हैं उन्होंने इस फैक्ट्री को दोबारा से खोला, यानी कि अकुशल लोगों ने जो है वहाँ पे काम किया। एज सम सिटी ऑफिशियल्स हैव सेड, जैसा कि कुछ शहर के अधिकारियों का मानना है कि भाई कुछ शहर के अधिकारियों का क्या मानना है कि ये जो फैक्ट्री खोली गई दोबारा से तो वहाँ पर क्या थे जिन लोगों ने काम की शुरुआत की ना, तो वे लोग जो थे वे अकुशल लोग थे, अनस्किल्ड पीपल। दीज एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट का मतलब है पहलू, मस्ट बी प्रोब्ड, इन पहलुओं की जरूर जांच की जानी चाहिए, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, इन द इंक्वायरी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। फिक्स अकाउंटेबिलिटी का मतलब है किसी के ऊपर उत्तरदायित्व ठहराना, है ना, किसी को जो है जिम्मेदार ठहराना। तो ये एडिटोरियल कहता है कि साहब एक तरीके से ये जो सारे के सारे पहलू हैं कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के जो है सुरक्षा तंत्र में जो है या तो सुरक्षा तंत्र में खामियां थी या फिर जो है जानबूझ के जो है नज़रअंदाज की गई बातें, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो फैक्ट्री दोबारा से खोली गई तो अनस्किल्ड
जो लोग थे उन्होंने जो इस फैक्ट्री को खोला, तो ये सारे के सारे पहलू हैं, इनकी जांच की जानी चाहिए जब इंक्वायरी की जाती है, टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और उसके माध्यम से जो भी व्यक्ति या फिर जो भी लोग उत्तरदायी हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट मस्ट फोकस इमीडिएटली। आंध्र प्रदेश सरकार को तुरंत ही इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस बात पर? ऑन द मेडिकल नीड्स ऑफ दोज, कि भाई उन लोगों की मेडिकल नीड्स पर, उन लोगों की एक तरीके से मेडिकल ज़रूरतें हैं, कौन से लोग हु हैव बीन ग्रीवियसली अफेक्टेड, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित रहे हैं। ग्रीवियसली मतलब है बहुत ही कष्टदायक ढंग से, जिनको कि मतलब कष्ट उठाना पड़ा है इस आपदा के चलते, बाय द गैस लीक, इस गैस लीक के चलते, विच हैज़ इनइविटेबली का मतलब होता है अनिवार्य रूप से, विच हैज़ इनइविटेबली लेड टू कंपेरिजन्स विथ द 1984 भोपाल गैस डिजास्टर, कि भाई हमें पता है भोपाल 1984 में क्या हुआ था, भोपाल में जो है बहुत ही भयानक गैस दुर्घटना हमें देखने को मिली थी। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो वर्तमान में ये जो गैस दुर्घटना हुई है, इसको अनिवार्य रूप से इस घटना की तुलना की जा सकती है, किसके साथ, ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना 1984 में, उसके साथ। तो फाइनली एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई वर्तमान में हुई इस दुर्घटना के चलते जो लोग बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित रहे हैं, उनकी जो मेडिकल ज़रूरतें हैं उन पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जरूर फोकस, तुरंत ही जो है फोकस ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। एज अ हार्मफुल केमिकल स्टेराइन कुड हैव क्रॉनिक का मतलब होता है लगातार, क्रॉनिक इफेक्ट्स बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम्स। एडिटोर ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो स्टेराइन है ये बहुत ही जहरीला या हानिकारक जो है रसायन है, तो इसके प्रभाव हो सकते हैं। कुड हैव का मतलब है कि भाई इसके प्रभाव हो सकते हैं क्या, क्रॉनिक इफेक्ट्स, कि भाई इसके प्रभाव जो है लगातार बने रहने वाले हो सकते हैं, बियॉन्ड द इमीडिएट सिम्टम्स, कि भाई अभी जो कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं हमें वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इसके प्रभाव जो है काफ़ी लंबे समय तक नज़र आ सकते हैं हमें। इंटरनेशनल सेफ्टी लिटरेचर, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पास जो है सुरक्षा से संबंधित जो साहित्य, कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ नियम हैं, जो कुछ कानून हैं, जो कुछ प्रावधान है ना, कि भाई इस तरह की जो फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर क्या सुरक्षा बरती जानी चाहिए, है ना। साइट्स का मतलब है हवाला देते हैं, है ना, वे इस बात को बताते हैं, यानी कि अगर हम इंटरनेशनल सुरक्षा नियमों को देखें तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं साइट्स इट एज अ सब्सटेंस दैट मे कॉज कैंसर, कि भाई अगर हम बात करें ये जो अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी लिटरेचर है वे स्टेराइन के बारे में कहते हैं, स्टेराइन के बारे में क्या कहते हैं, स्टेराइन को एक ऐसे पदार्थ बताते हैं दैट मे कॉज, जो कि कारण बन सकता है कैंसर का, यानी कि ये जो स्टायरिन है यह कैंसर का कारण बन सकता है। देयर इज दस सो नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर टू इट। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि दस देयर इज नो सेफ लिमिट फॉर एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज़ के जो है संपर्क में आ जाना, है ना, अपने आप को किसी चीज़ के प्रति खुला छोड़ देना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर ये जो स्टेराइन है इसके संपर्क में आप आते हो तो कुछ कह नहीं सकते हम कि कितने नुकसान जो है आपको उठाने पड़ सकते हैं। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात कहना चाह रहा है। सोलेशियम, ये जो सोलेशियम शब्द है ना, देखो सोलेस का क्या मतलब होता है, सोलेस का मतलब होता है राहत, ये जो शब्द होता है ना SOLSE सोलेस, इसका मतलब क्या होता है, राहत। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सोलेशियम पेमेंट्स, तो सोलेशियम पेमेंट्स का मतलब है कि भाई वो राशि जो हर्जाने के रूप में या मुआवजे के रूप में दी जाती है ना, एंड कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब यही होता है क्षतिपूर्ति, है ना, किसी को हर्जाना देना, किसी के नुकसान की भरपाई करना, है ना। तो ये दोनों बातें की गई हैं यहाँ पे, सोलेशियम पेमेंट्स एंड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स पीड़ित एंड फैमिलीज आर इम्पोर्टेंट। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि साहब जो भी लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, और उनका जो परिवार है उनको हर्जाने के रूप में जो है कुछ राशि दी जानी चाहिए, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बट सो इज, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है, बट सो इज उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, एक्सेस, एक्सेस का मतलब है पहुँच टू द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द विक्टिम्स, कि ठीक है हर्जाना तो उनको दिया ही जाना चाहिए, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण क्या है, उनको पहुंच, क्या पहुंच, कि भाई उनकी उनको जो है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फॉर द विक्टिम्स, कि भाई ये जो पीड़ित हैं इस दुर्घटना के जो शिकार लोग हैं उनको बिल्कुल जितनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं वे उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
यानी कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उन लोगों की पहुंच में होनी चाहिए। आगे देखते हैं, वाट हैपन्ड इन गोपालपट्टनम इज ऑल्सो ए वार्निंग, कि भाई जो कुछ गोपालपट्टनम में हुआ ये एक चेतावनी है फॉर इंडस्ट्रीज, है ना, कि इन इंडस्ट्रीज के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए अक्रॉस इंडिया, पूरे की पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके लिए ये जो घटना हुई है ये एक चेतावनी है। ऑल्दो सम मे सी द इंसिडेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉकडाउन, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, कि भाई काफ़ी लोग जो हैं वे इस घटना को इस रूप में भी देख सकते हैं। किस रूप में? कि भाई ये जो है लॉकडाउन का परिणाम है। द स्टेट्स हैव द अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर टू एग्जेम्प्ट प्रोसेस इंडस्ट्रीज। तो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि द स्टेट्स, कि भाई ये जो राज्य हैं इनके पास ये अधिकार है। द स्टेट्स हैव द अथॉरिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑर्डर, केंद्र सरकार के ऑर्डर के तहत राज्यों के पास ये अधिकार है टू एग्जेम्प्ट प्रोसेस इंडस्ट्रीज। एग्जेम्प्ट का मतलब है एक तरीके से छोड़ देना, छूट देना, है ना, प्रोसेस इंडस्ट्रीज, कि भाई ये जो इंडस्ट्रीज है विभिन्न तरह की, इन इंडस्ट्रीज के संबंध में क्या नियम लागू करने चाहिए और क्या नियम लागू नहीं करने चाहिए, इस बात का अधिकार राज्यों के पास है। इट नीड्स नो स्पेशल एम्फेसिस, इस बात पर अधिक जोर देने की जरूरत नहीं है, दैट सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स रिक्वायर्स कंटिन्यूस वॉच, इस बात पर जोर देने की कतई जरूरत नहीं है कि भाई ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, यानी कि इस तरह की ये जो रसायन से संबंधित औद्योगिक इकाइयां हैं, इनको ज़रूरत है किस बात की, कंटिन्यूस वॉच, यानी कि इस तरह के जो केमिकल प्लांट्स हैं इनकी लगातार निगरानी की ज़रूरत है। ये डिटेल बात करता है, विद नो स्कोप फॉर वेवर्स। यहाँ पे जो वेवर शब्द है ना, इसका मतलब है कि भाई किसी तरह की कोई छूट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है किसी भी बात को जो है मानने से इनकार कर दो, है ना। कुल मिला के ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, कुल मिला के ये जो इस तरह की इकाइयां हैं जहां पर कि बहुत ही खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, इनकी लगातार निगरानी की जरूरत है। विथ नो स्कोप का मतलब है किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए कि जो है वहां पर आप जो है ढीलम ढाली बरतो, है ना। एज इंडिया एम्स, जैसा कि हम देखते हैं, एज इंडिया एम्स फॉर, कि भाई इंडिया जो है किस चीज़ के लिए जो है प्रयास कर रहा है, फॉर ए वाइडर मैनुफैक्चरिंग बेस। मैनुफैक्चरिंग बेस का मतलब होता है कि भाई जहाँ चीज़ें निर्मित की जाती है ना, बेस का मतलब है आधार। एज इंडिया एम्स फॉर ए वाइडर मैनुफैक्चरिंग बेस, कि भाई इंडिया जो है किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा है, इंडिया जो है अपने आप को एक आधार के रूप में निर्मित करना चाह रहा है जहाँ पर कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित की जा रही हैं ना। इट नीड्स, भारत को ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, टू स्ट्रेंथन इट्स अप्रोच, कि भारत जो अपना दृष्टिकोण है, इट नीड्स टू, उसको मजबूत बनाए, इट नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स अप्रोच टू पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि भाई हमें एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, भारत के लिए बात की जा रही है कि एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसके माध्यम से क्या हो, पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि एक तरीके से लोगों की और एक तरीके से ये जो विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए जो लोग हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब कि भाई जो भी व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा भी जो है हम बिल्कुल तय कर सकें ना, उनकी सुरक्षा भी जो है हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पारदर्शी है ना, कि कोई भी किसी भी चीज़ में जो पारदर्शिता होती है ना उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओवरसाइट, ओवरसाइट का यहाँ पर मतलब है एक तरीके से निगरानी, यानी कि पारदर्शी पूर्ण तरीके से निगरानी की जानी चाहिए। ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट इज नॉट ए हर्डल, हर्डल का मतलब होता है बाधा टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब है कि ये जो हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं इनकी वृद्धि, तो हमारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं इनकी वृद्धि में अगर कुल मिला के डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ हैं ना इनकी पारदर्शी रूप से अगर हम निगरानी करते हैं तो इन इकाइयों की ग्रोथ में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आ जाएगी, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई इन इकाइयों की जो है ठीक तरह से निगरानी की जाइए कि अगर हम इन इकाइयों की निगरानी करेंगे तो किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी इनकी वृद्धि में। इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब देखो क्या शब्द आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा विकास, कि भाई ऐसा विकास जिसके तहत हमारी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वे भी काम करती रहें
और हमारा जो पर्यावरण है उसको कम से कम हानि पहुंचे। तो पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचे और विकास भी हो, ऐसे विकास को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। तो इट एडवांसेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग टेरिबल मिस्टेक्स। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं इनकी अगर हम ठीक तरह से निगरानी करते हैं तो उसके माध्यम से क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। और एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब एक तरीके से समाप्त कर देना टेरिबल मिस्टेक्स। और ये जो भयानक गलतियां हमें देखने को मिलती हैं, ये भयानक जो गलतियां हैं ये जो है बाय एलिमिनेटिंग, इनको एलिमिनेट करते हुए, इन भयानक गलतियों को जो है एक तरीके से समाप्त करते हुए ज़रूरत है कि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाने की कोशिश करें। और उसके लिए आवश्यकता है कि हम क्या करें, ट्रांसपेरेंट ओवरसाइट अप्रोच को अपनाएं कि एक तरीके से पारदर्शितापूर्ण ढंग से जो है इन ये जो इकाइयां हैं इनकी निगरानी करें। ये डिटेल जो है फाइनली बात करता है। क्विकली इसकी कुछ वोकैब देख लेते हैं, सारे के सारे शब्द मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो देखो पहला शब्द आया है पास आउट। इस पास आउट का मतलब क्या दे रखा है, बेहोश हो जाना, टू बिकम अनकॉन्सियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, है ना। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो पास आउट, है ना, कि भाई जैसे कि क्या है कि मान लो कि किसी कमरे में बहुत सारे लोग जो है बंद हैं, अब वे जो है बाहर आना चाह रहे हैं, पास होना चाह रहे हैं उस कमरे से, लेकिन धक्काम धक्काम धक्का हो रही है बाहर आने के लिए, तो जो है एक दूसरे से लोग टकरा के बेहोश होते जा रहे हैं। तो इस तरह से इसे ध्यान रख सकते हो, है ना, पास आउट, पास आउट, कि भाई एक कमरे में जो है बहुत सारे लोग बंद हैं, उस कमरे से पास हो रहे हैं, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग बाग जो है ना बाहर आने में दिक्कत पा रहे हैं और बेहोश हो जा रहे हैं। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो पास आउट को, बेहोश हो जाना। अगला है हजार्डस, है ना, ये विनाशकारी, है ना, ये बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है, कॉमन सा शब्द है, अगर आप रोज़ एडिटोरियल पढ़ते रहोगे ना तो कोई ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस शब्द पे जो है धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, है ना। हजार्डस लगभग रोज़ ही आता है, टाइम टू टाइम आता रहता है, हर दो चार दिनों में ना, विनाशकारी, कि भाई कई सारी विनाशकारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा था ये भी एक विनाशकारी घटना है, अभी हाल ही में ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि विशाखापट्टनम में जो घटना हुई ये भी हजार्डस घटना थी, है ना। तो इसका हजार्डस का मतलब एक तरीके से विनाशकारी। अगला देखते हैं स्वीप थ्रू, इसका मतलब होता है फैल जाना विनाशकारी रूप में, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे। पहला काम आप यही किया करो कि ये जो शब्द है ना इसको इंग्लिश टू इंग्लिश चेक किया करो, है ना, क्योंकि इंग्लिश टू हिंदी जब शब्द होते हैं ना वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं ना, तो इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश किया करो। तो क्या लिखा हुआ है, स्प्रेड वेरी क्विकली थ्रू आउट सम प्लेस, कि भाई किसी भी कोई भी चीज़ है जो कि किसी स्थान पर बहुत ही शीघ्रता के साथ फैल जाए, है ना, स्पेशली रिजल्टिंग इन और सो एज टू कॉज डिस्ट्रक्शन और डिवेस्टेशन, कि कोई भी चीज़ किसी क्षेत्र विशेष में फैल जाए और विनाश लेके आए तो उसको हम बोलेंगे स्वीप थ्रू। अब देखो क्या होता है, स्वीप, इस स्वीप से ही बना है स्वीपर, है ना, स्वीप का मतलब है एक तरीके से किसी चीज़ को पूरी तरीके से साफ़ कर देना, है ना, स्वीप थ्रू, थ्रू का मतलब है किसी माध्यम से गुजरते हुए। तो स्वीप थ्रू का मतलब क्या हुआ कि कोई जगह थी उस जगह को जो है पूरी की पूरी, जैसे केमिकल रिसाव हुआ और ये केमिकल रिसाव जो है पूरी की पूरी जगह में फैल गया, स्वीप थ्रू, है ना, पूरे की पूरे यहाँ पे फैल गया और इस पूरी की पूरी जगह को एक तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, तब हम प्रयोग करेंगे स्वीप थ्रू, इस तरह से ध्यान में रखना इसे। ले डाउन, ले डाउन प्रयोग जो ये शब्द है ना ये कल भी प्रयोग किया गया था हमारे एडिटोरियल में। ले डाउन का मतलब मैंने बताया था आपको, ले मतलब रखना, डाउन यानी नीचे, कि ले डाउन का मतलब है कि भाई जैसे बातें होती हैं ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है प्रावधान निर्धारित किए हैं, तो निर्धारित करना, रखना, उनको हम बोलते हैं ले डाउन, प्रेस्क्राइब करना किसी चीज़ को। ग्रीवियसली, है ना, इस ग्रीवियसली शब्द को ध्यान में रखना, ये भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, कॉमन ही है थोड़ा सा। ग्रीव का मतलब क्या होता है, कष्ट या फिर दुख, उसी से बना है ग्रीवियसली, कष्टपूर्ण ढंग से, कष्टदायक ढंग से। सोलेशियम, इस सोलेशियम को याद रखना, सोलेस है ना, सोलेस है ना, सोलेस का मतलब क्या होता है, राहत। तो राहत देने के लिए, किसी को राहत देने के लिए क्या है, हर जाना देना जरूरी है, तो सोलेस, सोलेशियम, हर जाना, इस तरह से इन तीनों को जोड़ के याद रखना। ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब, ये जो साइट आ रहा है ना, साइट का मतलब एक तरीके से क्या होता है, नज़ारा। तो नज़ारा, आप देख रहे हो किसी चीज़ का नज़ारा ले रहे हो, उसके ऊपर, ओवर, उसके ऊपर आपकी निगरानी बनी हुई है, उसको आप जो है लगातार जो है उसकी निगरानी कर रहे हो, तो ओवरसाइट को इस तरह से ध्यान रखना। ओवरसाइट का मतलब एक तरीके से निगरानी, सर्वेलेंस।